फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे किचन में कई ऐसी चीजें हैं जो स्वाद और सेहत दोनों का ही कॉम्बो होती हैं। इनमें से एक है रवा या सूजी, इसे हम सेमोलिना भी कहते हैं। इसमें फाइबर होता है, आयरन होता है, सूजी में फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। आज हम सूजी से बनने वाली 3 रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इसको हम लंच बॉक्स आइडियाज में भी यूज कर सकते हैं और ये एक हेल्थी ब्रेकफास्ट भी है। सबसे पहले हम सूजी उत्पम बनाएंगे। सूजी उत्पम बनाने के लिए मुझे 100 ग्राम सूजी, 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच बेसन, स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़े से प्याज बारीक कटे हुए, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए। सबसे पहले हम सूजी, मैदे और बेसन का बैटर बनाएंगे। हम एक बोल में सूजी, मैदा और बेसन डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर बना लेंगे। इसे हम एक बार विस्प भी कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। फिर हम इसमें नमक डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे। फिर इसे एक बार हिला देंगे। फिर बैटर को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद अब बैटर को हम एक बार फिर हिला लेंगे। अगर बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे, टमाटर, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते को भी मैंने अच्छे से धो के काट लिया है और धनिया को भी काट लिया है। इन सबको हम अच्छे से एक बार हिला देंगे। ये हमारा बैटर तैयार है। ये कुछ कुछ पकोड़े के बैटर जैसा बनता है। हम एक पैन या तवे में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर हम इसमें बैटर डालेंगे। और इसे भी फैला लेंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे और फिर इसे पलट देंगे। उत्पम को हम दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। यह हमारा रवा उत्पम तैयार है। इसी तरह ही हम सारे उत्पम पका लेंगे। अब हम सूजी की खिचड़ी बनाएंगे। यह बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए मुझे 1 कप सूजी, थोड़े से रॉ पीनट्स या कच्ची मूंगफली, 1 चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टुकड़ा अदरक, थोड़ी सी बीन्स, 2 हरी मिर्चें लंबी कटी हुई, 1 छोटी गाजर कटी हुई,
एक छोटा टमाटर कटा हुआ, एक छोटी कैप्सिकम कटी हुई, एक साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और कड़ी पत्ता चाहिए। सबसे पहले हम सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सूजी को मैंने ड्राई रोस्ट करने रख दिया है, इसको हम हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। इसे हमें लगातार चलाना है ताकि ये सब तरफ से अच्छे से हो जाए। सूजी ब्राउन हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे और सूजी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें कटा हुआ अदरक डाल देंगे। फिर साबुत सरसों डाल देंगे। जीरा, और साबुत लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे। इसे हल्का सा हिला लेंगे। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। साथ ही कड़ी पत्ता डाल देंगे। और रॉ पीनट्स या कच्ची मूंगफली डाल देंगे। इसे भी हल्का सा चला लेंगे। गैस को थोड़ा स्लो कर लेंगे। फिर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, बीन्स, कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च डाल देंगे। और टमाटर डाल देंगे। फिर हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ढक के रख देंगे। फिर हम इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। 1 कटोरी सूजी के लिए मैंने 2 कटोरी पानी लिया है। अब पानी का उबाल आने का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके सूजी डाल देंगे जिसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। सारी सूजी हमने डाल दी है, इसे अच्छे से हिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और गैस को स्लो ही रखेंगे। खिचड़ी तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं, यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है।
और उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। गैस की फ्लेम बंद करके हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में डाल के सर्व करेंगे। अब हम सूजी का ढोकला बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। इसके लिए मुझे 1 कटोरी सूजी या रवा, 1 कटोरी दही जिसे मैंने विस्क कर लिया है, 4 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, नारियल ग्रेट किया हुआ, 1 पैकेट इनो, हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों और 1 चम्मच नमक चाहिए। अब हम एक बोल लेंगे, उसमें सूजी डाल देंगे और दही डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी भी ऐड कर लेंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से विस्क करना है। हम जितने अच्छे से विस्क करेंगे उतना ही स्पॉन्जी हमारा ढोकला बनेगा। सूजी और दही के मिक्सचर को हमने अच्छे से विस्क कर लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। अदरक को ग्रेट कर देंगे। और नमक डाल देंगे। फिर इसे हम एक बार अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इस मिक्सर को 10 मिनट के लिए साइड पर रख के ढक देंगे। हम एक माइक्रोवेव प्रूफ बोल लेंगे और इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर हम बैटर लेंगे, इसे एक बार फिर अच्छे से हिला देंगे। फिर हम इनो या फ्रूट सॉल्ट का पाउच इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इनो डाल के हमें इसे ज्यादा देर तक मिक्स नहीं करना, बस हल्का सा ही हिलाना है। अब हम ग्रीस किया हुआ बोल लेंगे, इसमें ये बैटर डाल देंगे। और इसे 5 मिनट तक माइक्रोवेव में लगा देंगे। 5 मिनट बाद हम माइक्रोवेव से ढोकला निकाल लेंगे और एक बार टूथपिक लगा के देख लेंगे। ये देखिए, इससे नहीं चिपकता, इसका मतलब हमारा ढोकला पक गया है। अब हम इसमें प्लेट में निकाल के इसके पीसेस कर लेंगे। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल के गरम करेंगे। तेल गरम होने पर हम इसमें सरसों डाल देंगे। फिर जीरा डाल देंगे। कड़ी पत्ता डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे।
इनको हम तेल में हल्का सा चला लेंगे। तड़के को हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। इसे सब तरफ अच्छे से फैला देंगे। फिर हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे। ये हमारा रवा ढोकला तैयार है।